फ्रेंड्स, अब हम मैंगो ग्राफ्टिंग का पार्ट बताने जा रहे हैं। तो सिलेक्शन ऑफ साइन देखिएगा। तो अभी इसको आम फला था, इस लकड़ी को, तो इसको हम अभी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस लकड़ी को देखो, आम फला था इसको, इसका मतलब ये मैच्योर साइन है। तो मैं यहाँ से अभी इसको कट कर रहा हूँ 10 सेंटीमीटर से, यानी आम फला था। तो इंस्टेंट साइन मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, इंस्टेंट साइन। ये लगभग 1 साल पुरानी है। अब इसके मैं पेटीवल से ऐसे कट कर दूंगा, ऐसा इस प्रकार। तो ये इंस्टेंट साइन है। अब कंसीडर करो, एक आध इंस्टेंट साइन और से दूसरी समझो, कंसीडर करो। ये एक है यहाँ पर इंस्टेंट साइन, ये देखिएगा ये यहाँ पर बर्ड्स नहीं है। लेकिन अगर से आपको इंस्टेंट साइन सिलेक्ट नहीं करना है और डिफॉलेशन करना है, तो इसको इस प्रकार आप पत्ते कट करके रख दीजिएगा इस प्रकार। ये डिफॉलेशन वाली बता रहा हूँ मैं, ये इस प्रकार, क्योंकि आपके पास अगर वक्त है तो। और इस प्रकार डिफॉलेशन करने के बाद में, और इसकी उम्र कितनी चाहिए, लगभग डार्क ग्रीन चाहिए लकड़ी है, और इसको 10 से 15 दिन रखना। उसके बाद में 15 दिन बाद में काटने का है। हम अभी काट रहे हैं इसको। ये डिफॉलेशन, ये ऐसी लकड़ी को ऐसी मारे आपने या तो ऐसी किए तो फट दी से ये पेटीवल गिर जाता है। तो 15 दिन के बाद में यहाँ से बर्ड्स वगैरह निकलना चालू हो जाती है, बर्ड्स फूल जाती है। उसके बाद में आप यहाँ से इसे कट करके ये आप ला सकते हैं। ये दूसरा प्रकार हो गया। और कंसिडर कर दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, डार्क ग्रीन वाली लकड़ी नीचे रहती है, जैसी इस प्रकार है डार्क ग्रीन, और उसके ऊपर में ऐसी कोली वाली लकड़ी रहती है। तो क्या करने का, इसे कट नहीं करने का तुरंत में, अगर ताजी सायन इस्तेमाल करना है तो। लेकिन अगर ताजी सायन इस्तेमाल नहीं करना है तो इतना पार्ट कट कर देना पड़ता है, इतना पार्ट कट कर दो और फिर इसको डिफॉलेशन करके रख दो, और फिर यहाँ से आपको ये कट कर 15 दिन बाद। लेकिन तुरंत में इस्तेमाल करने का तो क्या करने का, इसकी ये पत्तियाँ ऐसी कट कर दो, ये पत्तियाँ, क्योंकि आपको मालूम है ये जो पार्ट है बहुत कौला है, इसमें दो वे हैं, ऐसा इसे कट कर दो। मैं बताना चाहूँगा इसका रीज़न, इंस्टेंट साइन की बात बता रहा हूँ। अब अगर से इतना इस्तेमाल करते हो तो ये कौली है बहुत। लेकिन अब क्या करने का है, हमें यहाँ सक्सेस नहीं होगी, लेकिन इसे कट मत करो अभी, इंस्टेंट साइन, ये पत्तियाँ कट कर दो इसे। इसका रीज़न भी मैं बताना चाहूँगा अभी थोड़ी देर बाद। कट कर दो इसे, ये पत्तियाँ, और फिर यहाँ से आप इसे ये साइन। अब इसका एक में रीज़न है, अगर से मैं यहाँ से कट कर दूँ तो यहाँ से पूरा मटेरियल, फूड मटेरियल इससे बाहर जाएगा। अब क्या होगा, हम इतनी लंबी साइन को हम ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ सूखते जाएगा और यहाँ का मटेरियल नीचे उतरते जाएगा, और यहाँ तक सूखने के बाद यहाँ से ब्रांचेस निकलेगी। तो इस प्रकार अगर ऊपर का पार्ट कौला है और तुरंत में आपको इस्तेमाल करने का है ऐसी साया, तो आप इसको कट ना कीजिए, कौले पार्ट को वैसा का वैसा रखिए, और जो डार्क पार्ट है जो ग्रीन 6 से 8 महीने का, उसे रखिए और इसको कट ना कीजिए। लेकिन अगर डिफॉलेशन करना है तो आप इतना पार्ट पूरा उड़ा दीजिएगा, डिफॉलेशन 15 दिन के लिए करना है तो इतना पार्ट उड़ा दीजिएगा और इसको डिफॉलेशन करके रख दीजिएगा, ताकि यहाँ पर नई बर्ड्स फॉर्मेशन हो। तो इसको दो प्रकार बता दिया मैंने, एक इंस्टेंट साइन, अगर से ऊपर की कलम कौली है, नीचे की डार्क है, तो उसको रखने का, इसको कट नहीं करने का। लेकिन अगर डिफॉलेशन करने का 15 दिन बाद लाने का दस है, तो ये कौला वाला पार्ट यहाँ कट करके पेड़ को 15 दिन रखने का। तो ये दो प्रकार का मैंने आपको मीडियम बता दिया हूँ मैंने। और अभी जैसे फ्रूटिंग वाली है, जिसे फ्रूट लगे थे इसको, तो इसको आप तुरंत में इस्तेमाल कर सकते हैं, तुरंत ही आप, या फिर आप इसको जब अंकुर निकलेंगे यहाँ से साइड से, फूलेंगे थोड़े मक्खी नुमा, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम ये तो दोस्तों, यहाँ इसमें आम लगा हुआ था, तो मैं यहाँ से इसे कट कर रहा हूँ लंबा, ये देखिएगा ये लकड़ी, और यहाँ इसे इंस्टेंट साइन इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं भी। आपके पास में अगर वक्त है तो आप इंस्टेंट साइन इस्तेमाल ना कीजिएगा, तो